राजस्थान की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में जातिगत सर्वे की घोषणा कर दी है। सियासी गलियारों में इसे गहलोत के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर जाना जा रहा है, लेकिन ये फैसला चुनाव आचार संहिता लगने से ठीक पहले किया गया है, इसलिए इसके लागू होने पर अभी चुनाव आयोग की तलवार लटकी हुई है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि आचार संहिता लगने से पहले ये घोषणा क्यों की गई? अगर गहलोत सरकार जातिगत सर्वे कराना चाहती है तो सरकार के पास पाँच साल का समय था। सवाल ये भी है कि क्या चुनाव आयोग इस सर्वे को रोक देगा, इसकी कितनी संभावनाएं हैं? क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़े स्टेट में ये सर्वे कैसे होगा? इस सर्वे के पीछे सरकार की मंशा क्या है, फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये तमाम सवाल है जो आज भी गहलोत सरकार के सामने मुंहबाएं खड़े हैं।